शाम के खाने के लिए कुछ नाश्ता बना रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आलू से बनाना आज मैंने दो आलू को ले ली हूँ और इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी बारीक बिल्कुल। अब देख रहे हैं इससे कुछ ज़्यादा ही बारीक हो रहा है, तो मैं इसको अब देखिए इस तरह बारीक एकदम कद्दूकस कर लूँ। मैंने आलू को कद्दूकस कर ली, अब इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार। ये कॉर्नफ्लोर का आटा है, इसमें 4 चम्मच डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको मैंने मिला ली, थोड़ा सा पानी डाली हूँ बिल्कुल आधा चम्मच, और इसको डाल के अच्छे से अब क्या करेंगे, इसको छोटा छोटा लेंगे हाथ में, ऐसे गोल गोल करके, और इसमें आप इसको कोई और भी शेप डाल सकते हैं, मैं सिर्फ ऐसे कर दे रही हूँ। इसमें थोड़ा ऐसे आप देख रहे हैं अब ये हो गया। इधर एक फ्राई पैन में पानी गरम कर लेंगे और इसको एक एक करके इसको डाल देंगे, ये पानी में ही डाल, इसको पानी में उबलने देंगे। आप देख रहे हैं जब भी जब पक जाएगा तो ये सारा अपने आप ऊपर आ जाएगा, पानी के ऊपर आ जाएगा, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दे रही हूँ। ये हो गया है, ये सारा ऊपर आ गया है, अब देख रहे हैं अब इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे, इसको धीरे धीरे निकाल लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे अच्छे से। आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें आधे कप पानी में मिला लेंगे। फ्राई पैन को गरम कर लेंगे, इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे बस। इसमें थोड़ा सा लहसुन पतला पतला काट के डाल देंगे। इसको ऐसे ही भूज लेंगे कलर चेंज होने तक बस, ज्यादा नहीं। और इसमें जो मैंने एक प्याज काट ली है अलग अलग करके ऐसे काट लें और इसको ज्यादा नहीं भूजेंगे, इसमें थोड़ा क्रंची होना चाहिए, तो सिर्फ 1 मिनट या आधा मिनट ही इसको ऐसे भूजेंगे। इसके अंदर आधा चम्मच विनेगर डालेंगे, थोड़ा सोया सॉस, चिल्ली सॉस, एक चम्मच टमाटो सॉस, और ये जो कप में मैंने कॉर्नफ्लोर का आटा घोल के रखी थी उसको इसमें डाल देंगे, एक एक करके ऐसे डाल देंगे जो मैंने निकाल के रखी थी, डाल के अच्छे से मिला लेंगे। के ऊपर थोड़ा थोड़ा सॉस डाल देंगे, चिल्ली सॉस। तो मेरा शाम का नाश्ता बनके तैयार है। थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।